तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको इस टाइप का बर्ड इलस्ट्रेटर कैसे बनाना है वो सिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इलस्ट्रेटर वगैरह चालू कर दिया और यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ले ली है। तो सबसे पहले ये लाइन का स्ट्रोक ब्लैक है और इसको मैं तकरीबन 20 पिक्सल जितना है स्ट्रोक दे दूँगा। और उसकी जो कैप्स और कॉर्नर है वो सब राउंड रखता हूँ अभी के लिए। बाद में मैं फिर यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में जाता हूँ और तकरीबन 650x100 का एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। उसको मैं सेंटर टू आर्टबोर्ड कर देता हूँ। आपको पता है कहाँ से करना है, ये विंडो में जाना है और अलाइन मेनू पे कौन क्लिक करना है, तो आपके सामने इस टाइप का मेनू आ जाएगा। अभी मैं इसकी जो रेडियस है सब वो पूरा राउंड कर दूँगा कुछ इस तरह। अभी मैं इसका एक डुप्लीकेट लूँगा Ctrl+C Ctrl+F और उसको तकरीबन 50 पिक्सल 1 2 3 4 5, तो क्या है हमारा गैप पूरा सेम टू सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और इसको मैं शिप के साथ थोड़ा बड़ा करता जाऊंगा। और हमें क्या करना है, हमें जो इस साइड का गैप है वो इक्वल ही रखना है, इस साइड का थोड़ा बढ़ाना है। तो हम शिप के साथ ही इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का हमारा हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 45 डिग्री उसको घुमा लेता हूँ तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह का हो गया है हमारे सामने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो हमारा ये सेंटर है वहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करूँगा। ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अभी उसको क्या करूँगा, ये सबको सिलेक्ट करता हूँ। बाद में हमारा जो शेप बिल्डर टूल है जो ये वाला है, आप Shift+M करोगे तो भी आ जाएगा, उसको क्लिक करता हूँ और जो पाथ हमें नहीं चाहिए उसको अल्टा के साथ क्लिक करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा कुछ इस तरह। अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे है हमें ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये सीजर टूल लेता हूँ, सी क्लिक करके अभी आ जाएगा और जो ये वाला पॉइंट है उसमें मैं ब्रेक कर दूंगा और तकरीबन एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी अलग हो गया है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये वाले को भी डिलीट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह का शेप हमारे सामने अभी तक का रेडी है। अभी मैं यहाँ से पेन टूल लूँगा और ये जो पाथ है उसको ज्वाइन कर दूँगा। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, ये दो जो पाथ है उसको ज्वाइन कर दूँगा। तो कुछ इस तरह का शेप हो गया है हमारे सामने। और जो ये वाला है उसको मैं कॉर्नर अभी ये कुछ इस तरह का कॉर्नर दे देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी हमको इसका लेग बनाना है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा शिप के साथ थोड़ा डाउन यहाँ पे तकरीबन इतना, और यहाँ पे मैं ओरिजेंटल भी एक लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरह का। अभी एक मैं दूसरा लेग भी बना देता हूँ उसका कुछ इस तरह का, और उसको मैं फ्लैट दे देता हूँ कुछ इस तरह का। यहाँ पे भी फ्लैट दे देंगे उसका जो स्ट्रोक है वो। और इसकी जो एक चोंच बनानी पड़ेगी हमें यहाँ से इतना तकरीबन अच्छा रहेगा, ओके। और एक उसकी आई भी बना देते हैं एक लिफ्ट टूल से यहाँ पे, और इसको मैं फिल कर दूंगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का बर्ड तैयार हो जाएगा। और आप सबको क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपांड पर क्लिक करना है और स्ट्रोक को एक्सपांड कर देना है और सबको यहाँ पे मर्ज कर देंगे हम। आप पाथ पाइंडर टूल में जाएंगे, विंडो में पाथ पाइंडर, और वहाँ से आप उसको मर्ज कर पाओगे। तो इससे क्या होगा आपका, मैं बताता हूँ। उसको पहले ग्रुप कर देते हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देते हैं।
इसका फायदा ये होगा, जब भी आप कलर को लोगों को चेंज करना चाहेंगे वन कलर ग्रेडियंट कलर, तो आप अच्छा रहेगा। अभी ये पूरा सिलेक्ट होकर आप वन कलर कोई भी लोगो आप कलर देना चाहते हैं लोगों को, वो आराम से दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।